चलिए शुरू करते हैं। जब कभी हम आकाश की तरफ टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हम अपने ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो हमें इनका जवाब जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म की शुरुआत शिव से होती है, मगर ये शिव है क्या? शिव भगवान है जिसने हमें बनाया, तो फिर शिव को किसने बनाया, मतलब शिव को किसने पैदा किया? इसका जवाब भी हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। एक बार की बात है, एक संत ने शिव से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, ब्रह्मा मेरे पिता हैं। संत ने फिर पूछा, आपके दादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, विष्णु मेरे दादा हैं। संत ने फिर से पूछा, अगर ब्रह्मा जी आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा हैं, तो आपके परदादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, मैं खुद ही अपना परदादा हूँ। अगर इस कहानी को हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि इस कहानी में एक चक्र सा बनता है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। अगर हम बिग बैंग थ्योरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है, जिसमें अचानक ही विस्फोट हुआ और हमारी सृष्टि बन गई। मगर इस बिंदु के पहले था क्या? इस बिंदु के पहले भी तो कुछ रहा होगा। हमारा विज्ञान हमें बताता है, इस बिंदु के पहले नथिंग यानी कुछ नहीं था, केवल एक निरंकार फॉर्मलेस, बिना मौत वाला डेथलेस, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा ही था। दूसरे शब्दों में कुछ घटित ही नहीं हुआ था, यह बिना किसी स्वरूप वाला एक शून्य था, जो किसी रहस्यमय तरीके से असीमित क्षमता वाली ऊर्जा से भरा हुआ था, यानी शिव था। शिव का भी यही अर्थ होता है, फॉर्मलेस डेथलेस, जिसे खत्म ना किया जा सके, दूसरे शब्दों में कुछ नहीं। हमारी मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूव किया है, हर वस्तु कुछ नहीं से आई है और अंत में कुछ नहीं में मिल जाएगी, मतलब हमारी सृष्टि की हर वस्तु शिव से ही आई है और अंत में शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड में है, जिसका कोई अंत नहीं, दूसरे शब्दों में शिव ही ब्रह्मांड है, यानी यूनिवर्स है। अगर आप किसी वैज्ञानिक से पूछें कि एनर्जी क्या है, तो वह जवाब देगा, ना ही हम ऊर्जा को बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, बस हम एक रूप से दूसरे रूप में इसे बदल सकते हैं। अब हम ग्रंथ में देखते हैं, उसमें भी यही लिखा है, शिव को ना बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, मगर उसके कई रूप हैं। हम मरते कब? जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, मतलब जब हमारे शरीर में शिव नहीं है, तब हमारा शरीर सब बन जाता है। इसलिए शिव हम सबके अंदर है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब शिव आपके भी अंदर है। हजारों सालों से हर भारतीय जाने अनजाने में इसकी बात जरूर करता है। हम भारतीय विज्ञान को जानते हैं, हमारे ग्रंथ भी पूरे विज्ञान पर निर्भर हैं। हमें तो बस विज्ञान की गुत्थियां सुलझाने के लिए अपने ग्रंथों की ओर देखना है, हर जवाब वहां मौजूद है। शायद इसलिए हर बड़ा वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों का विश्लेषण जरूर करता है। आज के लिए बस इतना ही, अगला एपिसोड देखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो